तो ये हमारा कृषि विभाग का ऑफिस, अब जा रहे हैं हम मशरूम सीखने के लिए। हमारे साथ मेरे भाई प्रवीण पटवार, ये रहेंगे आज के मुख्य केंद्र बिंदु। तो अब हम निकलते हैं, अब हम आपको यहाँ पे जो एफपीओ का सामान है वो भी दिखा देंगे। मेरे कन्ने में सामान देख रहे होंगे और मेरा भाई भी यहाँ पे काम कर रहा है, प्रवीण पटवार। तो अब हम निकल चुके हैं अंदर गाँव, पत्थल गाँव में ट्रेनिंग होगी। क्यों भाई? हाँ, अब हम उधर के लिए रास्ते के लिए, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मशरूम सेंटर, जहाँ पे की मशरूम की ट्रेनिंग होगी। यहाँ पे पहले से ही लोग आ गए हैं। अब मशरूम के बारे में जो ट्रेनिंग देने वाला है वो सिखाएंगे आपको हम। नहीं, यहाँ पे सफाई चल, वो मेरे भाई यहाँ पे प्रवीण पटवार जो कि बैठ चुके हैं यहाँ पे। मेरा नाम है सरिता केजरीवाल, मैं कोटद्वार से बिलोंग करती हूँ, मैं अभी जॉब करती हूँ। मैं आपको ऑस्टर मशरूम के बारे में बताऊंगी। क्या है, आपने किसी ने यहाँ पे ऑस्टर मशरूम? ऑस्टर जो जो गढ़वाल में बोलते हैं चू, हाँ ढिंगरी, हाँ जी कर रहे होंगे ना, इसीलिए मैंने पूछा किसी ने किया है यहाँ पे। तो ढिंगरी मशरूम सबसे ज्यादा सेल ढिंगरी मशरूम की, बटर मशरूम की और मिल्की मशरूम जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप लोगों इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खेतियाँ हैं, बंदर आप बता रहे थे कि बंदर आ रहे हैं नुकसान कर रहे हैं, उस पर कोई नुकसान नहीं है, बंदर इस चीज को खाता भी नहीं है। अच्छा सा है, कर सकते हो, तो अपना चार लेडीज जुड़ के या चार जेंट्स जुड़ के कर सकते हो, अच्छा काम, कोई बुरा काम नहीं है। ये है आपके पास है, जंगल सामने है, ओनली आपको कॉस्ट पड़ेगी कंपोस्ट की, बाकी ऐसे कुछ दिक्कत है नहीं। तो मैं आपको ऑस्टर मशरूम के बारे में बताऊंगी। ये 35 से 40 के बीच होता है ये टेम्परेचर, इसको इतना चाहिए। भूसा लेना है आपने, वो एक टैंक है 24 घंटे उसको डीप करना है, 24 घंटे तक उसको मतलब मॉइस्चर उसको पी लेगा, पानी पी लेगा उसका। उसके बाद उसको फैलाना है ऐसी मैदान में, सीड आता है एक गेहूँ का सीड है, उसके कल्चर से बनता है वो। उस एक किलो 10 किलो उस पर 10 बैग में एक पैकेट पड़ेगा वो, 1 kg मतलब 10 बैगों में 1 kg पड़ेगा वो। हाँ, 1 kg पैकेट जो मशरूम का है। हाँ, तो आप उसको ऐसे फैलाओगे, बीज डाल दिया, उसको भर के पॉली बैग आती है उस पर भरना है, उस पर होल कर देना चारों तरफ। तो ऑस्टर मशरूम को तो ज़्यादा वो है नहीं, मिल्की मशरूम होती है 40 से 45 की डिग्री में, जून जुलाई में, मई जून में, वो भी पूरा 12 महीने आपके लिए मशरूम का काम है। तीनों मशरूम मिल्की बटन ऑस्टर तीनों मशरूम है, कर सकते हो अच्छा सा काम। उसके बाद आता है बटन मशरूम। बटन मशरूम में यह है आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता यहाँ पे, क्योंकि वो राजस्थान दूर से आता है हमारा। रॉ मटेरियल किस टाइप का चीज होता है? उस पे 5 आइटम पड़ते हैं, जैसे भूसा हो गया आपका, चिकन मैन्यूर हो गया, खल हो गया, चूकर हो गया, यूरिया हो गया, एक जिप्सम होता है वो राजस्थान से आता है। तो हमारे एक यूनिट है सिकट्टी चिल्लर खाल, अगर आप लोगों को संपर्क मतलब करना है ये काम तो हम लोगों से जुड़े, हम मतलब आपको प्राइवेट करवाएंगे। बैग 110 रुपये का एक बैग होता है। मुझे पता है आप लोग ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पड़ जाएगा आपको, अगर एक गाड़ी बुक करके भी लाओगे यहाँ पे, भूसा भी लाओगे तो 5-6 हज़ार आपको गाड़ी का बुक पड़ जाता है। जितने भी पहाड़ के लोग हैं हमसे ही संपर्क है उनका, हमसे बैग लेके आ जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को अगर करना है अच्छी बात है, करोगे, हम भी यहाँ पे आए हैं इसीलिए आए कि आप भी करो, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। तो बटन मशरूम है, बटन मशरूम होती है आपकी जो स्पॉन्डन होता है, 10 kg का बैग होता है। मैं भी आपको प्रैक्टिकल रूप दिखाऊंगी, मेन तो प्रैक्टिकल ही है। मैं 10 किलो का बैग होता है उसको बीच से मिलाना, उसको बैग भर देना, प्रेस कर देना पूरा बैग को, तो 25 डिग्री में स्पॉन्डन चलाना है, मतलब कमरे को हीट करना है, बिल्कुल क्लोज करना है, उस पर कोई एयर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब हवा पास नहीं होनी चाहिए उस पर। 25 डिग्री टेम्परेचर में हमने उस पर स्पॉन्डन चलाना है। स्पॉन्डन चल गया 12 दिन के बाद एक केसिंग आती है, वो नारियल के बुरादा होता है उससे बनती है, या गोबर है आपके पास, आप तो कहाँ से लाओगे गोबर है, गोबर पुराना से पुराना गोबर हो, 4-5 साल पुराना, जो छान के भुरभुरा हो जाए। या बाकी मैम ने आपने बता ही दिया कि मतलब अगर आप बना सकते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है और अच्छा है। तो वो गोबर छान के 12 दिन के बाद वो पड़ती है, उसको डालोगे आप, तब केसिंग डालने के बाद एक वाटरिंग करनी है आपने। आपके पास तो गन ले सकते हो तो गन भी ले सकते हो, या फिर आप स्प्रे छोटी सी स्प्रे मशीन उसको करना है उस पर, तब आपकी
25 दिन के बाद क्रॉप स्टार्ट हो जाएगी। बटन मशरूम में ऐसा है, अगर आप करना चाहोगे तो अच्छी बात है। और एक मिल्की मशरूम होती है, मिल्की मशरूम होती है 45 से 40 डिग्री के टेम्परेचर में मई जून में। तो 12 महीने आपके पास अच्छा काम है, बांस है, झोपड़ी बना सकते हो यहाँ पे, चार लेडीज जुड़ के अच्छा है। पहाड़ के लोग सारी मार्केटिंग पहाड़ कोटगार से आती है मशरूम, ढिंगरी मशरूम 200 रुपये के जी बेचते हैं यहाँ पे, हम वहाँ 100 रुपये के जी देते हैं दुकानदार वालों को, यहाँ 200 रुपये के जी लाते पहाड़ के लोग। तो अब कर सकते हो तो अच्छा काम है। ढिंगरी में तो इतना ज़्यादा हार्ड काम है नहीं, भुस्से चाहिए आपको, पानी चाहिए, बाकी मेडिसिन पड़ती है उस पर, एक बॉस्टिन का पैकेट आता है, बॉस्टिन एक मेडिसिन होती है वो डालते हैं, और एक फॉर्मलिन होती है लिक्विड में आती हो वो पड़ती है, जो कि कीटनाशक उस पर ना लगे। वो सब चीज़ हमारे पास, अगर आप करना चाहोगे या इच्छुक हो या इच्छा है कि हाँ हमने करना है, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट भी है उस पर। एक बैग 110 रुपये का, 3 kg मशरूम मिनिमम, 2 kg तो आती आती है, एक बैग आपको 100 रुपये दे के जाएगा एक्स्ट्रा, ये है। बाकी आप लोग, मुझे अच्छा लगा है यहाँ पे कम से कम संख्या में आए हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आए हो, अच्छा लगा है। हम लोगों का अगर आप लोगे नॉलेज तो अच्छी है, फ्री की जनता दे, वो सस्ता दे रही है आपको, तो आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। तो ये है आप बटन मशरूम, ये चीज़ है, इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, ऑस्टर की नहीं है, ऑस्टर की मार्केटिंग ओनली पहाड़ों में ज़्यादा है। कर सकते हो, छोटा काम, छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अपना जनवरी फरवरी मार्च, वो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बटन कर सकते हो, मार्च अप्रैल मई मिल्की कर सकते हो, उसके बाद तो ऑस्टर कर ही सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके अपना एक काम जोड़ने में तो टाइम लगता ही है, छोटे स्केल में करो, पहले साल में ये देखो कि हमें कितना बेनिफिट है या कितना हमें लॉस हो रहा है, कितना हमें वो हो रहा है, उसको करना है, तभी पता चलेगा कि हाँ इस पे है कि जिस चीज़ में घुसोगे उसी चीज़ का तभी पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा आपको। 100 बैग से लेके चलो, 50 बैग लेके चलो, तभी पता चलेगा कि हाँ इस पे हमें क्या बेनिफिट है, अदरवाइज क्या बेनिफिट नहीं है। तो तीनों मशीन मैंने आपको बताई है, करोगे अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा, दोबारा अवसर मिलेगा आने का। जो कमी बेसी है या आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या मैम नहीं हो रहा है, तो हम हैं आपके साथ खड़े, बहुत बताओ, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, हमसे पूछो, डिस्कस करो कि ये कैसा होता है, वो कैसे होता है, तभी तो हम बताएंगे आपको। अब आपको मन में क्या चल रहा है, आप उसको बाहर ही नहीं बोलो तो हमें क्या पता चलेगा, इतनी दूर से आए इसीलिए आए हम कि आप हमें पूछोगे कि ये काम कैसा होता है, वो काम कैसा होता है, तभी हम बताएंगे। ये इस चीज़ को आप ध्यान रखो कि हाँ करना है, ये नहीं कि हाँ मैंने यहाँ पे बोल दिया, आपने सुन लिया और आपने छोड़ो, कौन कर रहा है। जब करोगे तब उस चीज़ के बारे में पता चलेगा आपको कि हाँ ये चीज़ होता है। और बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली रूप में बताऊंगी, हाँ हकीकत क्या है, जो प्रैक्टिकली है उसको मैं बताऊंगी, ये किस चीज़ से होता है। बटन मशरूम खाद है, भूसा है, 1 क्विंटल भूसा डालना है हमने, 8 किलो हमने चोकर डालना है, 8 किलो हमने वीजोर डालना है, 8 किलो हमने जिप्सम डालना है, ये लिमिट है 1 क्विंटल भूसे में। उसको पहले दिन हमने फर्टिफिकेशन करना है, पहले दिन हमने भिगा के भूसा खूब भिगाना, जब तक वो पानी पिएगा तब तक भिगाना है, उसके बाद भूसे को निचोड़ के ड्रॉप आपके यहाँ पे ड्रॉप निकलेगी, हाँ इस पे मॉइस्चर पूरा हो गया, भूसा डाल दिया, उसके ऊपर हमने चिकन मेनू डालना है, पहले दिन चिकन मेनू की पलटाई करनी हमने, मतलब गैती से या उसे पंजी से पलटाई करने के बाद ये फॉर्मुलेशन तब पड़ते हैं, ये यूरिया हो गया, चोकर हो गया, खल हो गया, जिप्सम हो गया, ये डालना है। उसके बाद 2 दिन तक इसका वो करना है हीटिंग, 45-46 टेम्परेचर आएगा इस पर, तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, रोज़ पलटाई करनी है, एक दिन छोड़ के पलटाई करनी है, तब आपको एक महीना लग जाएगा, आपको पूरी खाद तैयार हो जाएगी बटन मशरूम की। इसमें ये प्रोसेस है, ऑस्टर को तो आपको पता ही है, भूसा डालना है, वो बीज डालना है, अपना बैग प्रेस किया आपने, एक महीने के अंदर क्रॉप आने लग जाएगी, उसमें तो ज़्यादा हार्ड काम नहीं। मिल्की का भी ऐसी है, मिल्की का ऑनली थोड़ी केसिंग पड़ेगी, जैसे ऑस्टर का काम है, भूसा भिगा दिया, सीड डाल दिया, बैग भर दिया, उसके बाद 12 दिन के बाद 15 दिन के बाद उस पर स्पॉन्डन चल जाएगा, एक बैग मतलब पूरा वाइट हो जाएगा, तब हमने केसिंग डालनी है, जो बटन मशरूम में पड़ती वही केसिंग हमने मिल्की में डालनी है, तब आपकी 15-25 दिन के बाद मिल्की की भी क्रॉप निकल जाएगी। ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, थोड़ा हार्ड काम बटन का ही है, बटन का मैंने आपको पूरा बता दिया। मुझे पता है आप रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते, मतलब पूरी रॉ मटेरियल नहीं ला सकते, क्योंकि ये राजस्थान बहुत दूर दूर जगह से आती है, इसीलिए हमने वहाँ पे अपनी चिल्लर खाल पे एक यूनिट है हमारी, बहुत बड़ा काम है, आओगे कभी तो आना, देखना अच्छा लगता है। तो आप इस काम को करोगे तो मैं आपसे तभी खुश होंगी, हाँ मेरा यहाँ आने का यहाँ पे तभी बेनिफिट है कि भाई चलो
कुछ ना कुछ 10 लोग नहीं 2-4 लोग ही करें, थोड़ा हमसे भी संपर्क रहे अच्छा लगता है। बाकी तो जो पूछना है आप पूछ सकते हो कि हाँ मतलब ये कैसे होता है वो कैसे होता है वो मैं बताऊंगी। ये सोच के चलोगे कि नहीं मैंने करना है थोड़ा घाटे में चले जाओ, वो चीज़ सोचोगे तो फिर नहीं कर पाओगे बिजनेस। ये तो छोटे स्केल से बड़े स्केल में जाने में थोड़ा आपको दिक्कत होती है, पर करोगे तब उस चीज़ के पीछे आप कुछ पाओगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। और ये वाइट तो है ही, सफ़ेद तो मतलब सभी जगह है, पिंक और येल्लो में मतलब लोग थोड़ा वो करते हैं कि हाँ है। इसीलिए ये मिल्की मशरूम ऑस्टर मशरूम बनाए कि लोग बाग पहले जंगलों से निकाल रहे थे, तब इसमें किसी वैज्ञानिक ने कल्चर मतलब डेवलप किया है कि लोग मर रहे हैं मतलब इसे, तब ये जो मतलब ये जो मशरूम है ऑस्टर मशरूम तब ये बनाया गया लोगों के लिए कि मतलब चलो भाई जंगलों में नहीं जाएंगे, जहर है परिवार के परिवार पहले मतलब हो रहे थे कि अब वहाँ इस मशरूम को खाने से ये हो गया, तब कोई वैज्ञानिक ने इसका कल्चर बना के तब ये मशरूम उगाने हमने चालू किए। कौन सी मशरूम जो भी मशरूम हम उगा रहे हैं, क्योंकि लोगों का एक माइंडसेट है ना कि मतलब कि मशरूम कहीं पे रहता वहां रहता जो आप बोले जीव बोले तो हाँ। थोड़ा सा पॉइजन से रहता है। नहीं पॉइजन अच्छा हाँ जंगलों में हाँ माइंड में है कि हाँ होता है, उसकी पहचान हर किसी को नहीं है, किसी को उसकी पहचान हर किसी को पहचान नहीं है। अब ये है ऑस्टर मशरूम, इसीलिए मतलब बैग उस उन्होंने बनाया जाकर कि चलो भाई लोग बाग कर लेंगे उसको, अपना रोजगार के रूप में भी हो जाएगा खाने के मतलब ये है। आप लोगों तो बहुत अच्छा काम है, 200 रुपये किलो खरीद के ला रहे हैं वहाँ पे, अगर एक बंदे ने कर भी लिया यहाँ पे तो ये है कि 4 बंदे उससे लेंगे, वो भी उसको देखेंगे फिर 4 बंदे और जुड़ेंगे। काम तो बहुत बुरा नहीं है, काम अच्छा है। मैंने भी छोटे से किया, मैं भी अभी मैंने 5 साल हुए मुझे इस यूनिट में जुड़ते मैंने भी अपना पहले वर्क ही किया था मैंने, फिर मैंने टेक्निकल काम पे आ गई थी। इसमें वाटरिंग का होता है, मॉइस्चर मतलब कितना रखना है, मेन काम यही होता है बटन मशरूम में, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा मशरूम की जो पीनिंग होती है वो गल जाती है, मेल्ट हो जाती हो, तो ये इसका सबसे मेन पॉइंट है वाटरिंग, पानी जिस मात्रा में पानी करोगे उस मात्रा को देखना है कि मशरूम कितना पानी ले रहा है, तो 99% पानी होता है बटन मशरूम में, ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं ऑस्टर वाले मशरूम में, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं चाहिए उसमें, ये चीज़ है। तो आप लोग करोगे तो अच्छा है, बुरा काम नहीं है, मतलब ये अच्छा काम है, 12 महीने पूरा काम है भाई आपका, तो सब चीज़ फ्री में है, हम लोगों को तो हर चीज़ खरीदना पड़ता है, बांस खरीदने पड़ते हैं, आपको तो जंगल है, 1 साल झोपड़ी बनाओ ऑस्टर का काम डालो पहले साल, दूसरे साल बटन का डालो, तीसरे साल अपना मिल्की का डालो, पहले तो उसी झोपड़ी में तीनों पूरे साल भर काम हो सकता है आपका हर सीजन में। अब यहाँ पे इस टाइम सीजनली आ गया, हम सीजनली काम लॉट डालने लग गए हम, तो अब जैसे ऑर्डर आए पहाड़ों के, हमें किसी का 100 बैग, किसी का 200, किसी के 1000 बैग, तो हम सेल करवाते हैं सब चीज़, दवाई वगैरह जितना भी बैग वगैरह जितना भी किसी को भी चाहिए तो हम पूरा सेटलमेंट करके देते हैं उनको। तो जैसे अब यहाँ पे सीजन आ गया बटन का, आप 100 बैग डाल लो भाई, 1000 रुपये तो हम अगर बाजार जाएंगे तो एक मिनट में 1000 बैग कितने हो। दोनों में से लाइफ किसकी अच्छी होती है ज्यादा? ऑस्टर की होती है, मिल्की लोग इतना यहाँ खरीदते नहीं है, थोड़ा मार्केट में कोटदार भी जानते हैं, बाकी पहाड़ के लोग इतना नहीं जानते उसको। छोटी होती है ना, मिल्की होती है, स्टिक लंबी होती है, इसकी डंडी लंबी होती है और ऊपर कैप होती है, बटन का आकार का होता है, बटन की स्टिक छोटी होती है और मिल्की की थोड़ी लंबी होती है। हाँ बटन से ही आकार होता है ना, हाँ लंबी उसकी थोड़ी लंबी होती है और बटन से टेस्ट ज्यादा होती हो, मतलब मशरूम को उसका दाना होता है 1-2 अच्छा निकालना है। हाँ हाँ एक 2 दिन बस, ज्यादा नहीं, 2 दिन तक उनकी लाइफ होती है। हाँ जी हाँ जी 1-2 दिन तक लाइफ होती है, फ्रिज में रख रहे तो 1-2 दिन चल जाएगा, 2 दिन बस, क्योंकि रेड स्केल वैसे बटन मशरूम तो व्हाइट होती है, थोड़ा दिन रखे हो तो उसको कच्चा काम है ये, तो इसको तो ये है कि आज निकालना है हाथों हाथ दे देना है, ये बिक जाता है यहाँ पे, ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं। आप बड़े स्केल में मत करो छोटे स्केल, अब बस से तो आपके अप डाउन रोज कोटदार है ही, हम खुद पार से माल कोटदार मंगाते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास माल नहीं रहता यहाँ टेम्परेचर डाउन होता है तो यहाँ से खुद माल हमारे कोटदार आता है, फिर कोटदार खुद हम देते हैं, जब हमारे पास माल नहीं रहता मई जून में तो हम फिर पार से खुद माल, अब बस से रोज टाइमिंग बस लगी हुई है, यहाँ से माल लग दिया वहाँ पकड़ लिया,
वैसे आप अगर काम कर सकते हो, यहाँ से अपना माल रख दिया, एक दिन बाद आपको मंडी जाना पड़ेगा। एक महीना लगता है तीनों मशरूम में। एक महीना? हाँ जी, पहले एक महीना तो ये बटन वाले मशरूम में, एक महीना बनाने में लगता है, फिर एक महीना इसको उगाने में लगता है, दो महीने इस पे लगते ही लगते हैं। तो हमें मतलब रूटीन वाइज चलना पड़ता है, एक लॉट अब डाल दिया, एक लॉट बाद में डाल दिया, ऐसा है। बटन वाला मशरूम जैसे हमने आज भूसा रख दिया, बटन वाली जो मैं आपको थोड़ी बता रही बटन की, आज भूसा रख दिया, फिर हमने इसमें चिकन मेनू डालना है, दो दिन तक इसको मतलब ऐसे रखना है। उसके बाद हमने इसकी पलटाई करनी है, मतलब मिक्सिंग करनी है, जैसे हम मतलब भूसे की मिक्सिंग कर रही है या किसी चीज़ की मिक्सिंग करनी है, दो दिन तक इसकी मिक्सिंग करनी है। उसके बाद इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, 50 डिग्री, 70 डिग्री, इतने डिग्री में मतलब सबसे बेस्ट होता है 75 डिग्री। कौन सा मशरूम बन रहा है? ये पीते खले के चीज 8-7-5 चीज खड़ी हो के बनाना है, बड़े बड़े जो मुसार हो और ये यहाँ पे इन्होंने भर चुके हैं, मेरे साथ खड़े हुए मेरे भाई परवीन पटवाल, यहाँ पे ये है हेलो फ्रेंड, और ये बढ़ गया रास्ते में आ जा रहे हैं। शैलेंद्र पटवाल, संतोष पटवाल, बना सकते हो, मैटेरियल ये भी नहीं, ये तो नहीं बना सकते, ये खाद बना सकते हो, खाद बना सकते हो।
रॉ मटेरियल नहीं मिल सकता ना आपको यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा पड़ जाएगा आपको यहाँ पे। ये बनेगा वो बनेगा, फंगस नजर आएगा किनारे जो खाद पड़ती है ना माई, तो उसके अपना फ्रूट छोड़ने लगेगा, तो साइड में माइसलम की ग्रोथ होने लगेगी, तो वो हो जाएगी। अगर आपको पता है कि माइसलम होने लग गया है, प्रॉपर ऊपर तक भी आ गया, सफेद फंगस होता है, सफेद आ गया, तब इसकी पॉलिथीन की काट देना है चारों तरफ, प्लेट पकड़नी है और ये पॉलिथीन पूरी काटनी है, तब इसे रोज ना रोज प्रॉपर पानी पड़ेगा इसके डेली। हाँ डेली, हाँ तब 10-15 दिन तक डेली पानी पड़ेगा, तब आपका मशरूम छोटी छोटी पीनी। तो अगर मानो वो सुने तो वो फॉरेस्ट से डाल सकते हैं सर? फॉरेस्ट से डालना है, ये नहीं कि आप गिलास पकड़ो तब डाल लो, क्योंकि कंपोस्ट में चले जाएगा पानी, तो फिर ये कंपोस्ट खराब हो जाएगी, इसलिए स्प्रे करना है। पहले वाला पानी जो करोगे आप, उसको ना ज्यादा करना है ना कम करना है। केसिंग डाल दी मैंने, वो खाद डाल दी, खाद डालने के बाद जो पहला पानी करोगे उस पर ज्यादा पानी नहीं डालना, कम पानी भी नहीं डालना, मीडियम पानी, जो कि मतलब ऐसा करके ना जो ड्रॉप मतलब हल्की से आने लगे, मॉइस्चर आ जाए, हाँ मॉइस्चर आ जाए, मॉइस्चर आने के बाद पानी करने के बाद इसको मुंह बंद कर दोगे आप। बंद करने के बाद आप 4 दिन या 5 दिन वो रख दोगे इसका कमर, मुंह बंद करके रख दोगे, तो माइसलम की ग्रोथ फास्ट चल जाएगी। मुंह बंद करके माइसलम की ग्रोथ जब फास्ट चल जाएगी, फंगस छोड़ने लग जाएगा ये केसी, तो फ्रूट छोड़ने लग जाएगा। फ्रूट छोड़ने के बाद जब ये फ्रूट छूट जाएगा, तो आप इसको पन्नी काट लोगे, ये पॉलिथीन काट लोगे, जब पॉलिथीन काट लोगे तब इसे प्रॉपर रोज पानी पड़ेगा 10-15 दिन तक, उसके बाद आपको मशरूम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, छोटी छोटी पिनिंग बनेगी इस पर। अब दवाई तो आपके पास होगी नहीं, मेडिसिन जो मैंने बताई थी फॉर्मूले वो भी नहीं है, तो आप फोन करके मंगा लेंगे। हाँ फोन करके मंगा लेना, या फिर उसकी भी ज्यादा वो नहीं है, तो ये कि थोड़ा बीमारी से आपने मट्टी मुट्टी में रख दिया ना, उससे कीटनाशक नहीं होता, इससे बहुत बीमारियां आती है, इस मशरूम में बीमारी बहुत आती है। एक बबल होता है वो मशरूम को बिल्कुल नष्ट कर देता है, और तो हम झेल लेते हैं, ग्रीन मोल्ड हो गया, येलो मोल्ड हो गया, ये कि बहुत चीन डाल दो उस पे तो डेड हो जाती है, पर जो ये बबल ये बहुत मुश्किल से होती है, तो मैंने आपको बता दिया ये, उसके बाद प्रॉपर पानी पड़ेगा तब ये मशरूम आने स्टार्ट होगा। मशरूम कैसे तोड़ना है, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड होता है मशरूम, ए ग्रेड होता है आपका जो मतलब पूरा दाना पूरा है, बी ग्रेड होता है जो खुल जाता है, तो खुलने नहीं देना मशरूम को, ये नहीं कि मशरूम इतना बड़ा हो गया आप इतने बड़े में तोड़ दो, तो मशरूम खराब खराब तो नहीं होगा, सब्जी बन जाएगी उसकी, तो मार्केट लायक नहीं होगी, जैसे आप बना सकते हो खुल के काला भी हो गया, कोई बोलता कि इसमें जहर हो गया, जहर तो कोई उस पर सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसको मतलब तोड़ के खा सकते हो, खुल गया दाना कोई बात नहीं, उसको आप अपना खा लो, मार्केट के लिए अपना गोल दाना जो है इतना मीडियम मीडियम दाना तोड़ना है, ये नहीं कि आप अरे गुच्छे में आता है मशरूम, जैसे गुच्छे में आ गया ना, तो गुच्छे में आपने अपनी फिंगर से पकड़नी है आराम से, उसको इस तरीके से पुश करना है, इस तरीके से नीचे से पुश करोगे तब वो मशरूम सिंगल मशरूम तोड़ोगे आप, नहीं तो अगर ऐसे तोड़ोगे तो पूरा गुच्छा टूट जाए। अब मशरूम को तोड़ोगे अपने थ्री फिंगर घुमा के, 3 उंगलियों से घुमा के, ऐसे घुमा के तब मशरूम तोड़ना है आपने, ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया, अब बाकी तो मैं फोन में आपको करती रहूंगी, ये इसकी प्रोसेस। वैसे ऑस्टर का इतना बड़ा काम नहीं है, ऑस्टर को तो ये आपने बैग भर दिया और रख दिया बस, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए आपको 25 से 30 डिग्री, 35 भी हो जाए कोई बात नहीं, पर ये है कि अपना पानी उनी करते रहोगे ना तो मेंटेन कर लेता आज भी, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसमें, तो ये कि बहुत कम होता है, एक्चुअली मैंने आपको बता दिया बैग लिया है आप, जैसे बैग खरीद लिया आपने, बाकी यही काम होना चाहिए मैंने आपको बता दिया, पानी हाँ जब फ्रूट निकलने लग जाएगा ना, होल नहीं लगते छेद दे दे, उसमें छोटी छोटी पीनी निकल दिया तब पानी करना है, अब यह कि मौसम ज्यादा ठंडा है तब पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो मॉइस्चर खुद अपना आप खींच लेता है, नमी खुद खींच लेता है, ये उसमें इस पे मेन काम है। अब ये 110 रुपए का बैग है, तो आपको 100 रुपए दे के ही जाएगा बैग, अगर आपने इसकी सही ढंग से केयर कर ली तो आप इसको 100 या 200 रुपए दे के जाएगा आपको ये बैग, ये आप निकालते रहो जब तक बैग में जाने,
आता है। इसी प्लांट में हम तो लगाए दो दो क्रॉप निकालते हैं, अपना तीसरी क्रॉप में बाहर निकाल देते हैं। पर आप लोगों ने छोटा स्केल में रखा है, जगह है, स्पेस है, हमने तो एक ही प्लॉट वाइज डाल लें। बाकी आपके पास स्पेस है, आप यही जब तक जान है पानी डालते रहो, निकालते रहो, पानी डालते रहो। वैसे फुल क्रॉप आएगी, जो भर के आएगा बैग वो आपकी दो क्रॉप आएगी। अच्छा, ये इस पे अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर लोगे तो, बाकी तो आपके हाथ में बात है। ये छोटा वो सिंगल तोड़ना है, तोड़ना है उसके साथ से तोड़ना है। ये हर कोई नहीं बताता कि हाँ मशरूम घुमा के तोड़ो या फिर ऐसे करके तोड़ो, ये हर कोई नहीं बताएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि भाई जब लाए हो आप सीखोगे तो थोड़ा तभी आएगा ना आपको नॉलेज। ये इतनी दूर से लाए, कैसे लाए, किस तरीके से परेशानी हुई होगी, थोड़ा निकलना भी तो चाहिए। जहाँ 2000 की खाद दिया वहाँ 2 ना मिले, 1500 मिले। पहले पहले में तो आदमी यही होता है ना, विश्वास होगा तभी तो धीरे धीरे बढ़ेगा आदमी। ये चीज है इस पर आप लोगों ने ऐसे करने, मैंने आपको पूरा बता दिया। आगे बात समझ में आई है, जो पूछना है अभी पूछ लो। अभी मैं यहाँ कहीं हूँ आपके सामने, ले ले 12 दिन तक तो उसको छेड़ना नहीं। 12 दिन, 12-15 दिन तक जब वो सफेद हो जाएगा ना, 2-3 दिन में आपको इस पे ये नजर आएगा, ये बीज है ना, ये फुटन चालू करेगा, ये व्हाइट व्हाइट सा होगा, पत्ता तोड़ेगा, धीरे 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 तब एक जाला नुमा बनाएगा, उसे बोलते माइसिलियम, फंगस होता है वो। पूरा बैग प्रॉपर हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा पूरा बैग, जो व्हाइट जो कि मतलब उसको हवा भी मिलती रहे, क्योंकि शांत हो जाए तो पौधा हल्का। मैं ये पूरे तरीके शटर खोल के रखना ना, ये है। उसके बाद खाद डालोगे, खाद डालने के बाद एक पानी करना है, 12 दिन 15 दिन बाद डालना, उसी दिन पानी भी करना है इस पे। पानी करने के बाद मुंह बंद कर देना है इसका, 2 या 4 दिन तक मुंह बंद, जब तक ये माइसिलियम निकलो पौधा चले। बाकी तो मैं आपको बाद में बताती रहूंगी ना, 1.5 इंच जितना इतना डालना, इतना इतना डालना, यही। अब बाकी तो आप मैंने समझा दिया, बाकी जो भी आपको मतलब लग रहा है कि अभी नहीं आया समझ में पूछ लो, मैं पूरा बताऊंगी आपको। बताते 1.5 इंच 12 दिन के बाद 1.5 इंच उसके बाद उसको तब काट देना, पन्नी काट देना, पन्नी काट देंगे जब प्रॉपर पानी पड़ेगा ना, पन्नी काट देंगे जब पूरा पंखा हो जाएगा, फिर जब आएगी जब पन्नी काट देंगे, प्रॉपर पानी पड़ना है, पानी तो काट अगर ठंड रहेगी तो फिर आप पानी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का मौसम तो मुझे लग रहा है ज्यादा ठंडा ही रहेगा। नहीं तो नहीं है, जैसे टपल चल गया इतना है, पानी का भी पड़ जाएगा। ठीक है ठीक है, ऐसा है टेम्परेचर, हाँ तो ऐसे करना है आपको। 25 दिन के बाद आपको मशरूम मिलना शुरू हो जाएगा। मशरूम में इस पर भी ये नहीं, ये बस सोचना कि आपको भर के आएगा प्लस, आपको टेस्टिंग की बात है। अगर टेस्टिंग बराबर करोगे तो मशरूम भी ठीक ठाक आएगा, कहीं ज्यादा हो गया तो कहीं कम हो गया, अगर कहीं ज्यादा हो गया तो वहाँ जल्दी फूटना चालू हो जाएगा, मशरूम जल्दी आने लग जाएगी। तो मशरूम गुच्छे में भी आती है इसमें, और एक लफड़ी वाला होता है जैसे केसिंग डाली ना मैंने, केसिंग वाले में तो वो एसी प्लांट में होता है, छोटे बड़े सीजनल काम में तो नहीं होता है। तो वो एसी डालने के बाद फिर 7 दिन तक इसको ऐसे रखना है, जब पूरा मशरूम चल जाएगा ना उसको मेल्ट कर देना, मेल्ट करके फिर ऐसे छोड़ देना है 3-4 दिन तक, पानी नहीं करना, पूरा मशरूम चल जाएगा। उसके बाद ये किसी कवरिंग करनी है, वो तो आप एक बार बता रही हूँ मैं आपको, कवरिंग करने के बाद सब पानी करना है उसमें। ये होता है मशीन क्वालिटी अच्छी आती है, बट इंडो में उसमें तो भूसा आपने डीप करना है, ये हर कोई कर सकता है अपने अपने घरों में। बटन करे तो मैं मानती हूँ थोड़ा दिक्कत है, परेशानी, पहले तो इसमें भी दिक्कत परेशानी कोई नहीं है। बैग खरीदो अपना, यहाँ पे ला के प्रेस कर लिया, आपके तो घर भी यहाँ गाँव में कमरे खाली रहते हैं, अपना ज्यादा नहीं 50 बैग लाओ, 100 बैग लाओ। इसमें तो पड़ता है 5-6 आइटम पड़ते, भूसा हो गया, चिकन मैन्यूर हो गया, आपका मतलब मुर्गी की भेड़, जिप्सम हो गया, खल हो गया, चोकर हो गया, यूरिया हो गया, इतने आइटम पड़ते हैं। तब ये एक दिन छोड़ के इसकी हर रोज पटाई होती रहती है, जैसे पटाई की ना फीट मारता है, तो हाथ से नहीं हो सकता। आप पंजी लो, पंजी से जैसे यहाँ पे एक लाइन बना दी, मैं वीडियो में देखा था, लाइन बना दी, इसकी पटाई हर रोज मतलब एक दिन छोड़ के करते रहते, उसके बाद इसका मौसम मतलब होता रहेगा, इसका टेम्परेचर डाउन होता।
अंदर रहेगा, जब इसका टेम्परेचर 30-35 डिग्री आ जाएगा तब इसको भरना है। अगर 40 डिग्री में भरोगे आप, कैसे मालूम पड़ेगा इसका टेम्परेचर? नपड़ा मशीन होने हमारे पास प्रॉब है नहीं, सब कुछ प्रॉब है नहीं ना, आप हाथ से पकड़ो ना उसको, हाथ से पकड़ो, गर्म लग रही है तो नहीं भरना, ठंडा है तो अपने भर लो। डॉक्टर वाले थर्मामीटर आते हैं ना, मैं लाया हूं थर्मामीटर, वो छोटे वाले होते हैं ठीक है, अपना वो रख लो, कितना का आएगा? 100 होगा, 80 रुपए का, 80 रुपए का, हाँ वही ले लो, अपना अगर काम करना है तो उसमें ये ना पता चल जाता है, अपना लगा लो। इसका रेट है 11 रुपए के जी, 110 रुपए का आपको ये बैग मिलेगा, ये मशीनी द्वारा तो नहीं है हमारा ये, आप तो अपने हाथों से बनाते हैं इसका, एक मशीनी द्वारा होते ना, तो जैसे बुलडोजर वगैरह करते हैं इसको बढ़ाई, तो आपको 10 रुपए 9 रुपए के जी में मिलेगा। अब हमारे तो लेबर लगी भाई, जहाँ 4 लेबर काम करेगी तो वहाँ 1-8 रुपए तो होता ही है, ये उस खाद पे तो थोड़ा क्वालिटी भी अलग होती है। बाकी है दो चीज तो हमारे लिए सबसे, मुर्गी का पीट और भूसा तो हमारे यहाँ है ही हमारे पास, तो खल भी हो जाएगा, सरसों का खल, तीसरी क्या बोला आपने, एक यूरिया भी हो जाएगा, चार चोकर भी मिल जाता है बाजार में, जिप्सम नहीं मिलेगा, जिप्सम राजस्थान से आता है, तो 10 केजी में आएगा ना वो, तो 10 केजी में जब कोरदार कोई जाल देता मंगा दिया, जब जिप्सम कोरदार मिलेगा तो फैक्ट्री में मिलेगा, फैक्ट्री में मिलेगा, उसके अंदर इतनी हीट होती है उसमें, डंपर पड़ता है मशीन भरते वहाँ पे, अच्छा बहुत हीट होना जिप्सम पे, ऐसा ना जहाँ जब गोदाम उतरता है तो अगर वो कोरदार में बोल रहे तो हम मतलब तो इसको तो हम भी पढ़ा सकते 2-4 क्विंटल तो खादा का फैक्ट्री गर्मी में पूरा होता है, बीट को हम बाहर फेंकते हैं मैडम, जितना मुर्गी का भूसा है उसमें बीट, और खुद करोगे तभी तो कुछ करोगे, अभी हम तो बताना था, बोले ना हम तो ये सोच रहे थे कि शायद ये मशीन नहीं बनता, आप बोलते हम खुद हाथ से पढ़ा रहे तो हम भी तो, मैं बोल रही हूँ अगर मैं यहाँ पे अगर खुद काम करने लग जाऊँ ना तो प्रॉपर 12 महीने का काम है यहाँ पे, सही टेम्परेचर सही है सबसे बड़ी बात, कोई बिजली नहीं, कोई वो नहीं, पानी भी है ही, अगर आप करोगे तो आप पे बात है ना, ये बात तो ट्रांसपोर्ट नहीं ना पड़ता, लेकिन कच्चा माल तो यहाँ पर पर्याप्त है, कच्चा भी माल डल जा सके, एक बार रखने आपने 100 बैग रख लिए, 3 क्रॉप लेनी आपने, जैसे नवंबर में रख लिए, दिसंबर जनवरी फिर मशरूम लेते रहो आप उस पर, जब तक बैग में जाने एक ही बार तो पड़ेगा, अब आप भूसा लाओगे उधर से फिर चिकन मेनू लाओगे तो आपको पड़ रहा है नहीं भी तो 20-30 हजार का ट्रांसपोर्ट, नहीं हो रहा इतनी बड़ी बड़ा ट्रक आता है नहीं, ये फोर व्हीलर ही आती है, तो अपना बैग उठाया 100 बैग लिए 200 बैग लिए अपना, ये क्योंकि पहाड़ों में सब बैग ही ले जाते हैं, वहाँ बटन मशरूम कोई मतलब खाद नहीं बनाता, मिक्सर बना लेता है तो बटन की कोई नहीं बनाता, और यहाँ ना खेती नहीं होती, हमारे यहाँ ये है कि भूसा वूसा सब अवेलेबल है, ये हमारे यहाँ पे भूसा भी है, तो क्या दिक्कत है फिर आपको, कोई दिक्कत ही नहीं, हमारे यहाँ हर चीज अवेलेबल है, बस करना है, हाँ तो करो ना फिर, आप करते भी रहते जब है तो आपके पास जमीन कर ही रहो, ये दान है, ये भी है कि इसका पूरा दाम काटी हो जाएगी, इसका मतलब 3-4 लाख खुद, हम 5 लेबर है वहाँ पे ना, मतलब 5 लेबर है हमारी और 2 हम है, एक हमारे जो मतलब हेड है सर है, एक मैं हूँ, ज्यादा मैं ही देखती हूँ वहाँ पे, सर तो अपना डिजिट में इधर उधर ही रहते हैं, कम मतलब कम ही रहते हैं वहाँ पे, मैं ही रहती, मैं ही ज्यादा देख देख करती हूँ वहाँ पे, तो ये है कि एक दिन में 10-15 हजार रुपए हमारा खुद जाता है, 200 क्विंटल में सुन जाता है हमारा, ऑफ सीजन बिना एसी का, एसी नहीं है हमारे पास, और ये सीजन जो इस सीजन आ गया इसमें डालते हैं हम लोग, ये अपने 4 लड़के रखे रोज पटाई करते रहे, एक महीने में खाद तैयार, 3 हजार बैग अपना एक उस पर डाल दे, एक हट पे 1 हजार, एक हट पे 1 हजार, अपना रोज मशरूम निकलती है, ये करने पे बात है, मेहनत देश पे बिना मेहनत को तो कुछ भी नहीं है, अगर मेहनत बिना मेहनत को तो कुछ नहीं है, पहले सीखो ना, बिल्कुल ये मशरूम सबसे बड़ी बात ये है, मशरूम आता है, बैग में वो जान नहीं रहता, जो जान मतलब
इनको बता देंगे बटन सब मिल रहा है ना, पैसे तो आपके यहाँ मिल जाता है वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर लाख मिल जाएगा ना, फोर लाख की गड्डी में मिल जाएगा तो क्यों जाना। कहीं कहीं पे ना मच्छर भी ज्यादा हो जाता है ना, पैच नहीं होते हाँ, जैसे भूसे के पैच हो गए ना, उस पैच में इसको अंदर नहीं चल पाता पैच बोले तो, मतलब जो मैंने आपके डले से डले से ना वो वहाँ पे चल ही नहीं पाता, तो थोड़ा मिक्स करके ना हाथ से अच्छा करके तब भरा बोल। हाँ तो यही कारण है उसको पैच का ना, फिर मच्छर ज्यादा हो जाता है वहाँ भी चल जाने। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मच्छर के कारण ये वजह थोड़ा मच्छर ज्यादा हो गया ना मशरूम, ये तो दो तीन दिन तक रह जाएगा आपका। पानी डालोगे ना जैसे जैसे इस काम को जो है बढ़ा के रखो, जोर से बोलो ना अरे ठीक है बेटा, आगे बढ़ा के रखो इस काम को। हाँ हाँ टेंट हाउस